अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। MK Constructions, Engineering Consultants and Civil Contractors, First Floor, Near Krishnavani School, Shahjahan Gutta, Mehboob Nagar। MA Basi Jewelers and Wedding Collection, अपोजिट सिंडिकेट बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। वक्फ तहफ़ुज़ राब्ता कमेटी के रुकन मुंतखब होने पर अनवर पाशा को मजलिस की जानिब से तहनियत। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर के वक्फ तहफ़ुज़ राब्ता कमेटी के रुकन मुंतखब होने पर ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा को उनके दफ्तर ज़िला तहफ़ुज़ राब्ता कमेटी पर मजलिस क़ायदीन जाबिर बिन सईद अल जाबरी, मजलिस मुदाहदा ज़िला महबूब नगर के कोऑर्डीनेटर, ज़िला यूथ सदर मजलिस महबूब नगर मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट, वार्ड नंबर 26 के मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद महबूब, मजलिसी कायद अनवर ने तहनियत पेश की। इस मौके पर जाबिर बिन सईद अल जाबरी मुतहदा ज़िला महबूब नगर के मजलिसी कोऑर्डिनेटर ने खिताब करते हुए कहा कि ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा को ज़िला वक्फ तहफ़ुज़ राब्ता कमेटी के रुकन मुंतखब होने से वक्फ के अराजी के तहफ़ुज़ बेहतरीन अंदाज में होने की इन्होंने उम्मीद जाहिर की। मेरी गुजगोशी करते हुए हालात के हाजरा जो वक्फ प्रॉपर्टीज के ताल्लुक से है उस पर गुफ्तगू करते हुए उस पर अपनी तरफ से जो भी इस काम में जभी भी हमारे ज़रूरत पड़ी शख्सी तौर से होने दीजिए या पार्टी की तरफ से होने दीजिए हम आपके साथ रहेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, इससे बहुत हौसला अफजाई हुई और हिम्मत अफजाई हुई। इंशाअल्लाह अल-अज़ीज़ आइंदा हम सब मिलकर ये काम को आगे करने तक पाए तकमील को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ज़माने दराज से वक्त प्रॉपर्टीज़ पर बहुत से नाजायज़ कब्ज़े होकर है, उन सबको हटाना आज हमारे वक्त की वक्त का तकाजा भी है और हम नौजवानों की और हमारे साथियों की हमारे छोटे भाइयों की इसमें आगे आने की ज़रूरत है। मैं जाबिर बिन सईद का और हमारे जाकिर साहब का बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि वो लोग आकर अपनी तरफ से अपनी हौसला अफजाई और हमारे और मदद करने के जो तहखुन दिए हैं। मैं MIM पार्टी की को भी मुबारकबाद देता हूँ जो और हमारे जाबिर बिन सईद साहब को मुबारकबाद देते हुए आगे के लिए काम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और जो हम मकसद के लिए करना चाह रहे हैं उसको कामयाबी की तरफ हम किनार करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जनाब राजा फयाज़ुद्दीन साहब अनवर पाशा साहब के ऑफिस पर आकर हम लोग उनकी तहनियत पेश किए हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बनाया गया है, जिसका चेयरमैन कलेक्टर साहब रहते हैं और SP साहब रहते हैं। बहुत खुशी की बात है एक ऐसी शख्सियत को उस जगह पर नामजद किए हैं जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर साहब, जो बेबाक तरीके से काम करने के आदि हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं। मैं जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन शख्सियत को चुना है और मैं चाहता हूँ कि वो इससे आगे जाएं और दूसरी तरफ भी उनको मौका दिया जाए और जो मौका अब उनको मिला है मैं समझता हूँ कि वो इंशाल्लाह वक्फ की जायदादों का प्रोटेक्शन बेहतरीन अंदाज में होगा, बिलखसूस सर्वे नंबर 77 और 78 की तरफ वो अपने जहन को रखेंगे और साथ ही साथ SVS के पीछे की जो ज़मीन है जिसका नंबर 230 और दो नंबर हैं उसके, उस ज़मीन पर भी उनका रुझान रहेगा और जो हालिया जो है 1053 जो सर्वे नंबर है जो कुत्ता चरू के पीछे जहां पर मुरम का माफिया जो है बहुत सरगर्म काम कर रहा था उस तरफ भी उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इन तमाम वक्फ जायदादों को आप नज़र में रखते हुए इंशाल्लाह इनका प्रोटेक्शन करिए और जब कभी भी ना सिर्फ मेरी शख्सी तौर पे बल्कि मेरी जमात MIM की तरफ से भी मैं उनको ये तहफ़ुन देता हूँ कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हूँ और इसके प्रोटेक्शन के लिए मैं उनके साथ कांधे से कांधा लगा के काम करने को और आगे बढ़कर उनका साथ देने को मैं तैयार हूँ। फिर एक बार मैं जनाब
अनवर पाशा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए और जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब को बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर बनाए आपका भी स्पोर्ट्स, चूँकि यकीनन वक्त की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन इसकी हिफाजत करना एक बहुत बड़ा काम होता है। एक सही शख्स का इंतखाब अमल में आया है, ये वक्त प्रोडक्शन कमेटी को 2016 में ही इसका क़याम अमल में आना चाहिए था। दूसरे अज़ला में तो है ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन शख्सियत का इंतखाब बहुत अच्छा हुआ है। मैं इसके लिए शिनाज गौड़ साहब मुबारकबाद देता हूँ। ख्वाजा फैजुद्दीन साहब अल मारूफ अनवर पाशा साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है, मेमनर के लिए एक खदावर शख्सियत और साथ ही साथ एक सियासी अच्छा शफाफ बैकग्राउंड रखने वाले शख्स को यकीनन मैं न सिर्फ मैं बल्कि तमाम मिलत इस्लामिया आपसे उम्मीद करती है कि आज तक जो हमारे मसाइल थे वक्त के शायद हल होते नहीं होते, लेकिन आज हम एक उम्मीद रखे हैं क्योंकि आप एक मुंतजबा मेंबर हैं जो कि गवर्नमेंट जियो के ज़रिए आपको नामिनेट किया गया है, जिसका चेयरमैन कलेक्टर है। आपसे मेरी ये दरख्वास्त ख्वाहिश है कि जब कभी भी मसाइल आएंगे आप चेयरमैन साहब और मेंबर SP साहब से मदद लेते हुए मसाइल को हल कराइए। साथ ही साथ जहाँ तक अभी हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा, यकीनन आपको तमाम मुसलमानों की, मैं समझता हूँ तमाम जमातों के मुसलमानों की आपको हिमायत मिलेगी, क्योंकि वक्त की जायदाद को बचाने के लिए आपको काम करना है। हमेशा से ये देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले मैं जावेद साहब मौजूद थे, हमारे अबूद साहब जब काफ़ी अदीब थे उनके घर पर मैं जावेद साहब गए और मिनिस्टर साहब आए, तो जब उनको ख़र्चा दिलाने की बात चल रही थी तो अल्लाह मरहूम को मगफिरत फरमाए, उनकी खबर को जन्नत से, उनकी खबर को नूर से भर दे, जन्नत में आला मुकाम। उन्होंने कहा मुझे ये पैसे मिनिस्टर साहब दिलाने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे नंबर 7717 की ज़मीन अगर दिलाएंगे तो मुझे अच्छा है। तो यानी हमारे लोगों का हमेशा से ये रहेगा हमारी जायदाद को बचाने का, ऐसे शख्स का इंतखाब हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे मसाइल हल होंगे आपके साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।